अदरवाइज तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है डिजिटल बेबी वेट स्केल, जो कि अपन पूरा देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेशन दे रखे हैं फॉर वो बेबी के लिए हैं, और मैक्सिमम 25 किलो तक इसका वेट जो है ये इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। वेट डेविएशन है वो 5 ग्राम का, और LED व्हाइट बैकग्राउंड है यानी रखने वाला जो है वो, और लो बर्थ इंडिकेटर है ये इंडिकेट कर देगा अगर वजन कम है तो, और ओवरलोड इंडिकेटर भी है यानी इसके अंदर वजन कम रखा बिल्कुल से तो ये इंडिकेट कर देगा वजन कम है, इसकी रीडिंग है एक, और ज़्यादा रख दिया तो ये इंडिकेट कर देगा 25 से ज़्यादा है तो कि हाँ ज़्यादा वेट है। तो इसको अपन ओपन करेंगे और ओपन करके इसको देखेंगे कैसी है। चलिएगा सबसे पहले मैं इसको फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से इसके अंदर से ओपन होता है, अपन इसको निकाल के देख लेते हैं। तो ऐसे ये अपन बाहर निकाल देते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसको निकालते हैं इससे बाहर। तो इस तरह से कुछ होता है ये देखिए ना, ये डिस्प्ले है इसकी, ये होल्ड यूनिट है, ये पावर ऑन ऑफ का है इसका। यहाँ पे बेबी को लेटाया जाता है जो कि थोड़ा सा देखिएगा इसके अंदर कर्व है ताकि बेबी नीचे नहीं आए, और ये देखिएगा पीछे की साइड से कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे इसके पावर के लिए डलते हैं सेल, जो कि 4 सेल डलते हैं। ओके चलिए इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, फिर इसको देखते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है, इसको अपन ऑन करके देखते हैं तो ऐसे कुछ ऑन होता है। ओके ऐसे ऑन होगा, और इसके ऊपर वेट का अगर लगाते हैं प्रेशर लगाते हैं इसके लिए ये टिकने जरूरी है। ये जो है ये लगने ज़मीन के ऊपर ज़रूरी है तभी ये वेट को डिटेक्ट करता है। देखिए ये ऐसे रखेंगे, उसके बाद में ये रीडिंग लेना शुरू करता है। देखिए ऐसे करते हैं तो ये रीडिंग लेता है बिल्कुल से, नहीं तो वजन ये नहीं लेता। ये देखिएगा अभी ऑन है, इसमें सीधा प्रेशर डालता हूँ कोई रीडिंग नहीं आएगी, है ना। और इसको जैसे कि मैंने बताया इसके जो पैर होते हैं एक साइड से, इन पे प्रेशर पड़ता है तभी ये टेम्परेचर को बताते हैं। 4 होते हैं इनके, ये नीचे टिकने जरूरी है, उसके बाद टेम्परेचर चेक कर सकते हैं अपन। तो इसका सीधा सा उदाहरण बताऊँ, ये देखिएगा नॉर्मल है, ऐसे दाब देते हैं तो भी कुछ नहीं आता। मैं इसको प्रेस करता हूँ, देखिएगा इसको प्रेस करता हूँ साथ में वजन देता हूँ तो ये टेम्परेचर बताएगा। देखिए ये देखो मैंने इसको प्रेस कर रखा है यहाँ से, और ऊपर वजन दिया तो ये स्क्रीन जो वजन बताना शुरू कर दिया, यानी इसके मेन जो वजन है वो इसके ऊपर आएगा, और ये चारों जो है ये नीचे लगे हुए होने चाहिए तब ये वेट बताएगा, नहीं तो वेट सही से नहीं बताता है। देखिए ये सीधे नीचे लगे हुए होंगे तो ये बिल्कुल से जो है वेट बताएगा। यहाँ पे स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही होगी, फिर भी मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। ओके तो ये टिकेंगे तो इसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। ओके तो ऐसे करके कुछ ये होता है, यहाँ से पावर ऑन ऑफ हो जाता है वापसी से। यहाँ से होल्ड यूनिट होता है, जितनी यूनिट जो वेट वगैरह है अपने एक्यूरेट चेक किया है वो होल्ड हो जाता है यहाँ पे, और ऐसे करके कुछ वेट मशीन होती है। ओके तो इसका साइज़ अलग अलग होता है, जैसे इसके साइज़ की अगर नॉर्मली बात करते हैं तो 57-34 से अपन 6 सेंटीमीटर होता है, जैसे 57 ये है 34 ये है और 6.6 सेंटीमीटर, ऐसे करके इसकी थिकनेस होती है। ओके तो ये वेट मशीन है, और इसके बारे में कुछ अगर अपडेट चाहिए तो बता देना, मोस्ट ऑफ काम इनका यही रहता है, इनका रहता है तभी वजन चेक करती है सही से। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।